सवाईमाधोपुर जिले में एसीबी का बड़ा धमाका। बामनवा क्षेत्र में दो स्थानों पर ट्रैप की कार्रवाई को अंजाम दिया गया। ग्राम पंचायत टूंडला का ग्राम विकास अधिकारी ट्रैप हुआ है। ग्राम विकास अधिकारी रिंकेश गर को ट्रैप किया गया, 60,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए ट्रैप किया है। मसरोल कार्य और अन्य निर्माण कार्यों की फाइल पास करने के एवज में इसने घूस मांगी। बामनवास पंचायत समिति के एएन महेश गोयल को साथ में रिश्वत लेते दबोचा है। इसके अतिरिक्त बामनवास तहसील कार्यालय के गिरदावर रमेश सोनी को भी ट्रैप किया गया, जब 20,000 रुपए की रिश्वत राशि के साथ इसे ट्रैप किया है। मुख्यमंत्री सहायता कोष की विभिन्न फाइलों की राशि स्वीकृत कराने के एवज में इसने घूस मांगी। सवाईमाधोपुर एसीबी की एएसपी सुरेंद्र शर्मा के नेतृत्व में ये पूरी कार्रवाई हुई है। दूसरी ट्रैप कार्रवाई को अंजाम दिया टोंक एसीबी के एएसपी राजेश आर्य की टीम ने। दो अहम कार्रवाई को अंजाम दिया गया एसीबी के द्वारा। दूसरी ट्रैप कार्रवाई को अंजाम दिया टोंक एसीबी की एएसपी राजेश आर्य की टीम ने। सवाईमाधोपुर जिले में ही एसीबी का यह बड़ा धमाका है, जहां दो अहम कार्रवाई को अंजाम दिया गया। बामनवास क्षेत्र में ही दो अलग अलग स्थानों पर ट्रैप की इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया, जहां एसीबी को सफलता मिली। एक जगह 60,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्त में लिया गया है, तो दूसरी जगह 20,000 रुपए की रिश्वत की रकम के साथ ट्रैप किया गया। और सवाईमाधोपुर से संवाददाता संदीप गोयल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संदीप, बेहद अहम कार्रवाई, जहां दो कार्रवाई को अंजाम एसीबी ने दिया है, जानकारी विस्तार से चाहेंगे। जी श्वेता, बताना चाहूंगा कि सवाईमाधोपुर एसीबी ने आज जो है जिले में दो बड़े धमाके किए हैं, और बामनवास क्षेत्र में भ्रष्टाचार की वानगी को इस तरह से देखा जा सकता है कि बामनवास क्षेत्र में ही दो कार्रवाइयां की गई हैं, और जिनके जिसके तहत जो तीन जो घूसखोर हैं उनको एसीबी ने धर दबोचा है। पहली जो कार्रवाई की है उसमें जो पंचायत समिति बामनवास का जो एएन है महेश गोयल और ग्राम विकास अधिकारी जो रिंकेश गर्ग है, इन दोनों को जो है 60,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए धर दबोचा है। इन्होंने जो एक ग्राम पंचायत के जो सरपंच है उनके पति ने एसीबी में शिकायत की थी कि ग्राम पंचायत में मस्टर रोल के कार्य और अन्य निर्माण कार्य जो हुए हैं उनकी 20 फाइलों को पास कराने की एवज में जो है ये दोनों जो घूसखोर हैं ये करीब 7,000 रुपए के हिसाब से 1,40,000 रुपए की रिश्वत मांग रहे थे, और 60,000 रुपए लेते हुए आज जो एसीबी ने दोनों को धर दबोचा है। इसके अलावा एक दूसरी जो कार्रवाई हुई है उसको भी काफी अहम कार्रवाई के रूप में देखा जा रहा है कि गत दिनों एक सड़क दुर्घटना में, एक बस दुर्घटना में जो घायल हुए थे तो उनको मुख्यमंत्री सहायता कोष से जो राशि आर्थिक सहायता जो उपलब्ध कराई जा रही थी, ऐसी 42 जो फाइल है उनको पास कराने की एवज में जो तहसीलदार तहसील कार्यालय का जो गिरदावर है रमेश चंद सोनी वो जो है उस 20,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए जो है धर दबोचा गया है। एसीबी के एएसपी सुरेंद्र कुमार शर्मा और टोंक एसीबी के एएसपी राजेश आर्य की जो अलग अलग टीमें थी दोनों ने कार्रवाइयों को अंजाम दिया है, और भ्रष्टाचार के ऊपर जैसे ही आज नकेल कसी गई है तो क्षेत्र में एकदम हड़कंप मच गया है। हालांकि कुछ मौके से कुछ फाइलें भी जब्त की गई हैं। एसीबी द्वारा घूस के इस खेल में और कौन कौन लोग शामिल हैं इसकी भी जानकारी जुटाई जा रही है, और आरोपियों के जो घर हैं उन पर भी जो है सर्च कार्रवाई की जा रही है। चलिए, बहुत शुक्रिया संदीप आपका इस पूरी जानकारी के लिए।